नमस्कार, शाम के चार बजने वाले यानी वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं विद्या। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। घाटी में तनाव के हालात पर राजनाथ सिंह ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के दौरान गृहमंत्री ने घाटी में अमन बहाल करने के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने महबूबा कैबिनेट के मंत्रियों और अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर हालात काबू करने के लिए सुझाव मांगे। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की बैठक का बॉयकॉट किया है। हमारे हालात ठीक हो रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज अब पीछे हट रहे हैं और हमारे लिए वहाँ इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, रिक्रिएशन के बन रहे हैं। मेमोरेंडम पार्टी के तरफ से उन्हें पेश किया गया। एक तो फौरी तौर हालात पे काबू पाने के लिए हमारे कुछ सुझाव थे। हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, चाहे प्रधानमंत्री बुलाएं या गृह मंत्री बुलाएं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और हालात का जायजा लेने अनंतनाग भी जाएंगे। बीएसपी और बीजेपी के बीच अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर मामले पर राजनीति जारी रखने के संकेत दिए। मायावती ने दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। जयशंकर सिंह के बयान को सोची समझी साजिश करार दिया। जयशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने आज यूपी के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर मामले में दखल की मांग की। बीजेपी ने मायावती के दावों पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने अपनी बुआ के मान सम्मान में दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके उसके किए की इसको सख्त सजा नहीं दी। जो मैं मीडिया में बार बार मैं अपनी शिकायतों को बोलती रही हूँ, वही शिकायत लेकर मैं उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो उस पर बात करेंगे आगे, जो भी सही कार्रवाई होगी। तो तुरंत वरिष्ठ से वरिष्ठ हमारे नेता अरुण जेटली जी भी, अन्य नेताओं ने तुरंत इस पर खेद प्रकट किया और तुरंत पार्टी ने कार्रवाई की। 19 जुलाई को यूपी के मऊ में दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाने के साथ पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। बीएसपी नेताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान दयाशंकर के परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। शुक्रवार को दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति ने बीएसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह आज शाम तक लखनऊ में सरेंडर कर सकते हैं। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला ने अमानतुल्ला खान पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने एक हफ्ते पहले अमानतुल्ला के खिलाफ जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक के समर्थकों ने गिरफ्तारी के विरोध में जामिया पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बदरपुर नोएडा बॉर्डर पर जाम भी लगाया। पुलिस पूछताछ के लिए बुलाई, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। हालांकि अमानतुल्ला खान अभी जामिया थाने में नहीं है, पुलिस उन्हें कहीं दूसरे जगह पर किसी दूसरे थाने में पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायक की गिरफ्तारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस ने एएपी को महिला विरोधी बताया। अगर आप एमएलए हैं, आप विधायक हैं, आप सत्ता में काबिज हैं, तो आप किसी को भी रेप की धमकी देंगे? आप किसी को भी मारने की धमकी देंगे? आप उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे? अभी पिछले हफ्ते ही सोनी करके उन्हीं की कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, इसी बात को लेकर तो लगातार महिला अत्याचार में लिप्त पाए जाते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। मोदी जी ने एक और एएपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी कई बार एएपी विधायकों और नेताओं पर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लग चुका है। दिल्ली के नरेला में 19 जुलाई को एएपी की महिला कार्यकर्ता सोनी मिश्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। सोनी ने एएपी नेता रमेश भारद्वाज पर यौन उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया था। महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोप में एएपी विधायक दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी हुई। एएपी विधायक सोमनाथ भारती को पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला से मारपीट के आरोप में एएपी विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी हुई। मनोज कुमार की पत्नी ने भी उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। जून 2015 से अब तक आम आदमी पार्टी के 9 विधायक अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है।
तुन्ना पांडे पर ट्रेन में नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर हाजीपुर जीआरपी ने तुन्ना पांडे को गिरफ्तार किया और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। कोर्ट ने टुन्ना पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब तो ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी उनका क्या कहना, लड़की का क्या कहना, क्या मामला हुआ है। लेकिन टीवी पर जैसे हम लोगों ने समाचार देखा तो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया। स्त्रियों पर अत्याचार के मामले में समाज के सभी वर्गों की, राजनीतिक दलों की जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये घटना शर्मनाक है और कानून अपना काम करे। इस संबंध में प्राथमिकी अंकित कराए हैं और उसके बाद टुन्ना जी एमएलसी का विधायक का जो है सो यहाँ से गिरफ्तार हुई। धारा इसमें लगा हुआ 354 और 11-12 पोस्को एक्ट। टुन्ना पांडे पूर्वांचल एक्सप्रेस की एसी बोगी A1 में कोलकाता से गोरखपुर जा रहे थे। 12 साल की पीड़ित बच्ची अपने परिवार के साथ गोरखपुर जा रही थी। बच्ची ने टुन्ना पांडे पर अश्लील हरकत करने और जबरन बाथरूम की ओर ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। टुन्ना पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। टुन्ना पांडे ने 2 साल पहले सारण के DIG आलोक कुमार पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरी थी। रियो ओलंपिक से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फेल होने की खबर। नरसिंह यादव ने कुश्ती मुकाबलों के 74 किलोग्राम वर्ग में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह के डोप टेस्ट में फेल होने की पुष्टि की है। खेल मंत्रालय ने भी एक रेसलर के डोप टेस्ट में फेल होने की बात मानी है, लेकिन नरसिंह यादव का नाम नहीं लिया। नाडा ने मामले की सुनवाई के लिए एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल का गठन किया है। मामले पर पूर्व एथलीटों की अलग अलग राय सामने आई है। सुनवाई होगी नरसिंह यादव के केस में भी और ये अपने पक्ष में जो चीजें इनके सामने वो रखी जाएंगी, अगर वो ठीक मिलती हैं उसके मुताबिक इस पर जजमेंट दिया जाएगा। रूल अगर अलाउ करता है तो उन्हें उस जगह दूसरा अपना रेसलर भेजना चाहिए, क्योंकि मेडल तो पक्का था और मेडल के लिए अपने किसी दूसरे खिलाड़ी को जो डिजर्व करता है उसको भेजें। नरसिंह ने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। 74 किलोग्राम कैटेगरी में सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक के लिए नरसिंह के साथ ट्रायल की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी थी। विवाद के बाद खेल मंत्रालय ने नरसिंह यादव को ओलंपिक भेजे जाने का फैसला किया था। सूत्रों के मुताबिक डोप टेस्ट के दौरान नरसिंह यादव के सैंपल में स्टेरॉइड के अंश मिले। 18 साल के नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। पोलैंड में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नीरज ने 86.48 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वर्ल्ड लेवल की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। नीरज चोपड़ा को खेल जगत की शानदार उपलब्धि के लिए बधाई, हमें तुम पर गर्व है। अब तक वर्ल्ड लेवल में भारतीय एथलीट सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए थे। नीरज चोपड़ा से पहले जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड लातविया के जिंगी मुंडस के नाम था। जिंगी मुंडस ने 84.69 मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 82.23 मीटर था, जिसे उन्होंने इसी साल दक्षिण एशियाई खेलों में बनाया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले मामूली अंतर से नीरज ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे। खेल मंत्रालय ने नीरज चोपड़ा को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दिल्ली में पराठे की डिलीवरी को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को जान गंवानी पड़ी। वारदात दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की है। आरोपों के मुताबिक 3 दोस्त पराठा लेने दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दूसरा गुट भी दुकान पर पराठा लेने के लिए मौजूद था। पहले पराठा लेने के लिए दोनों गुटों में बहस शुरू हुई। इसी दौरान एक गुट ने दूसरे गुट पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दुष्यंत नाम के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि उसका एक दोस्त घायल हो गया। पुलिस जो इलाके में लगे तमाम CCTV हैं, उनकी फुटेज खंगाल रही है। इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिसने हमला किया वो कौन था। अभी तक जो आरोपी है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी है। आज सुबह 3 बजे के करीब 3 दोस्त राहुल, दुष्यंत, विशाल सुल्तानपुरी इलाके में पराठा लेने एक दुकान पर पहुंचे। पराठे को लेकर हुई झड़प में घायल युवकों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने दुष्यंत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। चाइना में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चीन के हवाई प्रांत में बाढ़ की वजह से 114 लोगों की मौत हो गई है जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। हवाई प्रांत के कई शहरों में सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। लोगों को बचाने के लिए नावों और रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। पहाड़ों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवानों को राहत के काम में लगाया गया है। हवाई प्रांत के 10 शहर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। चीन के हवाई प्रांत में करीब 90 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। करीब 53,000 घर बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। फसल तबाह होने की वजह से $2.4 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि चाइना में इस साल अब तक बाढ़ की वजह से 225 लोगों की मौत हो चुकी है।